यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का छठा पाठ पुनर्मिलन, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और ये इस पाठ का 8वां पार्ट है। अगर आपने पिछला 7 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 8वें छंद से। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था उस मूर्छित नीरवता में कुछ। आँखें खुली चार कोनों में, वह थी मनु को सहलाती, व्यथा भला क्यों रह जाती, हल्के से स्पंदन आए चार बिंदु आकर छाए। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं, ठीक है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित पुनर्मिलन कविता से लिया गया है, और यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के, कौन से महाकाव्य? कामायनी महाकाव्य। महाकाव्य के निर्विद सर्ग से, निर्विद सर्ग से लिया गया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है प्रसंग। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। अब देखते हैं व्याख्या, ठीक है। तो इड़ा चकित श्रद्धा आप बैठी, तो प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा और मनु के प्रेम को देखकर इड़ा चकित हो उठी। श्रद्धा आप बैठी, अर्थात श्रद्धा मनु के पास आकर बैठ गई। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, मधुर स्पर्श, अर्थात श्रद्धा मनु के पास आकर बैठ गई और उसे सहलाने लगी, और उसका स्पर्श, मधुर स्पर्श, उसका स्पर्श अनुलेपन सा अर्थात मरहम के समान था। मधुर अर्थात अत्यंत सुखद, बिल्कुल मरहम जैसा था उसका स्पर्श। किसका? श्रद्धा का। जैसे उसने मनु को स्पर्श किया, सहलाना शुरू किया, तो श्रद्धा का मनु के ऊपर जो स्पर्श था वो कैसा था? अत्यंत सुखद, तो मरहम के जैसा था। उस मूर्छित नीरवता में कुछ, आंखें खुली चार कोनों में, तो मूर्छित पड़े मनु, उसके शरीर में कुछ नीरवता अर्थात सूनापन, अर्थात हल्की सी कंपन उत्पन्न हुई। आंखें खुली चार कोनों में, और मनु ने अपनी आंखें खोली। वह थी मनु को सहलाती, अर्थात श्रद्धा मनु को सहलाती रही। व्यथा भला क्यों ना क्यों रह जाती, अर्थात मनु को श्रद्धा के सहलाने से मनु को जो पीड़ा थी वो ठहर ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतने सुखद स्पर्श था, बिल्कुल अनुलेपन सा अर्थात मरहम सा। तो उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा भला कैसे ठहर सकती थी उसके शरीर में? हल्के से स्पंदन आए, स्पंदन अर्थात कपकपी, कंपन। तो मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी कंपन उत्पन्न हुई, चार बिंदु आकर छाए। तो मनु का शरीर अचेत था, और जैसे ही उसकी चेतना लौटी अर्थात मूर्छा दूर हुई और मनु ने अपनी आंखें खोली और उसने श्रद्धा को देखा और चार बिंदु आकर छाए, अर्थात आंखों से चार बिंदु अर्थात आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए, हमें हमेशा इनके भाव लिखना होता है, जैसा है वैसा नहीं, इनके भाव हमें स्पष्ट करना होता है। चार बिंदु आकर छाए, चार बिंदु का मतलब उनके, मनु के आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, जैसे उसकी मूर्छा टूटी और मनु ने जैसे ही श्रद्धा को देखा तो वो उनके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तो ये थी व्याख्या।
अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट है भाषा। भाषा इनके सभी पदों में, सभी छंदों में साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप भी लिखेंगे साहित्यिक खड़ी बोली। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण माधुर्य गुण है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें सभी में मात्रिक छंद है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। पांचवा पॉइंट है अलंकार। अलंकार में देखिए अनुलेपन सा, इसमें भी उपमेय और उपमान की समानता होने से यहाँ पर उपमा अलंकार है। जहाँ भी इस तरह से हाइफिन वाले शब्द आते हैं और सा शब्द जुड़ा होता है, तो वहाँ अधिकतर उपमा अलंकार आती है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर ये आठवां छंद यहाँ पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं नौवें छंद को। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता है खड़े पड़े हुए। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। तो संदर्भ में सबसे पहले जैसा मैंने अभी आठवें छंद के लिए बताया था वैसा ही आपको लिखना है। दूसरा है प्रसंग। प्रसंग में यहाँ प्रसाद जी के एक प्रसाद जी ने एक किशोरमय बच्चे की, जो श्रद्धा का जो पुत्र था, उस बच्चे की मनोभावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। तो वो देखने के लिए क्या है इसकी व्याख्या देखनी पड़ेगी, तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो अब देखते हैं व्याख्या। तो प्रसाद जी कहते हैं कि उधर अर्थात इस समय कुमार अर्थात उनका पुत्र वहां बने ऊंचे अर्थात ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप और यज्ञ वेदी को देखता अर्थात देख रहा था। ये सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगते जी को। और वह बच्चा सोचने लगा कि ये सब कितना मनोहर कितना सुंदर है, जो मेरे जी को अर्थात मेरे हृदय को मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। अब मनु के चेतन होने पर अर्थात मनु की मूर्छा टूटने पर माँ श्रद्धा ने अपने माँ ने कहा अर्थात माँ श्रद्धा ने अपने पुत्र को पुकार कर कहा कि तू भी आकर, आ तू भी अर्थात तू भी आकर अपने पिता को देख ले, देख कैसे पिता भूमि पर पड़े हुए हैं लेटे हुए हैं। पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। और माँ की पुकार सुनते ही और पिता को देखकर वह बोला पिताजी देखो आ गया लो, देखो मैं आपके पास आ गया, ये देखो मैं आपके पास आ गया। और पिता से कहते उसके रोए खड़े हुए अर्थात पिता से बात कर पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ और दोनों ही रोए खड़े हुए अर्थात रोमांचित हो गए। रोए खड़े होने का मतलब है रोमांचित होना, ध्यान रखें। तो ऐसा कहते हुए ही ने प्रसन्न हो गए कि दोनों ही पिता और पुत्र दोनों रोमांचित हो गए। तो देखा यहाँ पर वात्सल्य रस का भी प्रयोग हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से एक बच्चा अपने पिता से किस तरह से पिता को देखकर प्रसन्न होता है, तो इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार रस का भी। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य।
काव्यगत सौंदर्य। पहला पॉइंट है भाषा। तो भाषा वही साहित्यिक खड़ी बोली। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण देखिए, इसमें दोनों ही गुण, प्रसाद और माधुर्य, दोनों गुण का प्रयोग इसमें हुआ है, प्रसाद और माधुर्य। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें मात्रिक छंद। चौथा पॉइंट है रस। रस जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बच्चे का अपने पिता को देखकर प्रसन्न होना, जिसके कारण यहाँ पर वात्सल्य रस और श्रृंगार रस तो पहले से ही है। तो श्रृंगार और वात्सल्य दो रस का इसमें प्रयोग हुआ है, श्रृंगार और वात्सल्य रस। ठीक है, अगला पांचवा पॉइंट है अलंकार। तो देखिए, यहाँ पर मंदिर और मंडप दोनों शब्दों में यहाँ पर म और यहाँ पर भी म, अर्थात म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर और मंडप में म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर एक ही अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर नौवें छंद की व्याख्या मैंने इसमें की है। तो होप ये दोनों छंद, आठवां और नौवां छंद, आपको पसंद आया। इस वीडियो में इतना ही, इसके अगले पार्ट में मैं दसवें छंद की व्याख्या करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।